सवाना के ग्रासलैंड्स को अफ्रीका के दो सबसे पावरफुल कार्निवोर्स डोमिनेट करते हैं। लायंस उन एनिमल्स का शिकार करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ और अपने टीम वर्क पर भरोसा करते हैं, जिन्हें कोई और नहीं पकड़ सकता। हालांकि हाइनास भी एक्सपर्ट हंटर्स होते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज उठाने से भी नहीं चूकते। ये अपने पावरफुल जॉज से एनिमल की थिक स्किन को चीरकर बोन्स को आसानी से चबा लेते हैं। सवाना में लाइफ और डेथ के साइकिल को पूरा करने के लिए दोनों ही स्पीशीज को अपनी बड़ी फैमिलीज का पेट भरना होता है और बाकी एनिमल्स इनके बचे खुचे खाने पर पलते हैं। ये स्पेशलाइज्ड स्कैवेंजर्स जो आपको कभी कभी सरप्राइज भी करते हैं, दरअसल लायंस और हाइनास की मेहनत पर ही जिंदा रहते हैं। Wildlife icons. Life in the leftovers. अफ्रीका की फूड चेन में सबसे ऊपर है किंग ऑफ बीस्ट्स लायन। ये एक्सपर्ट प्रेडेटर्स पावरफुल हैं और डेंजरस भी। ये अफ्रीका के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल्स का शिकार करते हैं और दूसरे कार्निवोर्स को डोमिनेट करते हैं, जिससे इन्हें भर पेट खाना मिले और ये जिंदा रहे। जब कोई लायनेस शिकार करने निकली हो तो उसकी कुछ चीजें बहुत इंप्रेसिव होती हैं। ये अपने टारगेट का छिप कर पीछा करती है। और नजदीक पहुंचकर अटैक करती है। दूसरे मेंबर के पहुंच जाने का मतलब है जीब्रा की मौत। दुनिया भर में लायंस एक रॉयल एनिमल के तौर पर फेमस है और पूरे सवाना में इनके बड़े बड़े ग्रुप्स क्लोज निट फैमिलीज के तौर पर मौजूद हैं। लायन को इज्जत दी जाती है, लेकिन हाइनास का मजाक उड़ाया जाता है। इन ऑपर्चुनिस्ट एक्सपर्ट एनिमल्स को अफ्रीकन जंगल का जोकर कहा जाता है। बहुत से लोगों ने इन्हें सनकी और मीन कहा है और इनकी रेपुटेशन बहुत खराब है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ये स्कैवेंजर्स नहीं बल्कि एक्सपर्ट हंटर्स हैं और 95% शिकार करके ही अपना पेट भरते हैं। लायंस की तरह ही हाइनास भी सोशल और बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में रहते हैं, लेकिन इनमें मौके का फायदा उठाने की जो क्वालिटी है वो दूसरे एनिमल्स में नहीं है और यही क्वालिटी इन्हें स्पेशल बनाती है।
हाइनास और लायंस के बीच अगर कंपटीशन है तो वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करते हैं। इनके शिकार बने ये एनिमल्स न सिर्फ ग्रुप का पेट भरते हैं बल्कि दूसरे छोटे बड़े बाकी एनिमल्स की लाइफ भी इन्हीं पर टिकी होती है। इन स्कैवेंजर्स की लाइफ दो एक्सपर्ट प्रेडेटर्स पर ही पूरी तरह से डिपेंड करती है और ये बचा खुचा खाकर ही अपना पेट भरते हैं। लायंस का ग्रुप दोपहर में आराम करता है और इस दौरान इन्हें खेलने और आपस में घुलने मिलने का बहुत वक्त मिलता है। बड़ों की निगरानी में ग्रुप के बच्चों का बचपन अच्छा बीतता है। ये जब तक करीब 16 महीने के नहीं हो जाते इन्हें अपनी सेफ्टी और खाने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इनकी मां की जिंदगी इसी ग्रुप में अपनी फीमेल रिलेटिव्स के साथ बीती है और बच्चों को बड़ा करने में उसे अपनी सिस्टर्स से हेल्प मिलेगी। कम उम्र के बच्चों को बड़ा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप की सभी लायनेसेस की होती है और ये एक दूसरे के बच्चों को दूध पिलाकर इसे पूरा करती है। हालांकि इनका कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता लेकिन ग्रुप के अंदर बच्चों के पैदा होने में एक सिंक्रोनाइजेशन जरूर होता है। लायनेसेस एक बार में 1 से 4 तक बच्चे देती हैं। 1 साथ पैदा हुए सभी बच्चे एक ही साइज के होते हैं जिससे पेट भरने के लिए उनमें कोई फाइट नहीं होती और जिंदा रहने के लिए सबको एक जैसे चांस मिलते हैं। हालांकि बच्चे 2 महीने के होते ही मीट खाना शुरू कर देते हैं लेकिन मां का दूध वो 6 महीने के हो जाने के बाद ही छोड़ते हैं। स्पॉटेड हाइना के बच्चों की लाइफ बहुत अलग होती है। ये फीमेल ऐसे ग्रुप में रहती है जहां फीमेल्स की रैंक्स मेल से ऊपर है। बच्चे की मां का वेट लगभग 70 किलोग्राम्स है और ये किसी भी मेल से 10 किलोग्राम्स तक ज्यादा है। ये बच्चे मौका मिलते ही बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। हाइना के ग्रुप जब शिकार पर जाते हैं तो इनके बच्चों के पास देखरेख के लिए कोई नहीं होता इसलिए ये उन्हें जमीन के अंदर छुपी डेंस में छोड़ जाते हैं। जन्म के वक्त ही बच्चों के वेल डेवलप्ड दांत हैं लेकिन अभी ये बच्चा सिर्फ मां के दूध पर है और 9 महीने का होने तक ऐसे ही रहेगा। ये बहुत असरदार फॉर्मूला है
सभी टेरेस्ट्रियल कार्निवोर्स में हाइना के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन लायन प्राइड से उलट हाइनाज को अपने बच्चों को दूध पिलाने या उन्हें बड़ा करने में ग्रुप की मदद नहीं मिलती। बच्चे सिंक्रोनाइज्ड ब्रीडिंग में पैदा नहीं होते, इसलिए हाइना के ग्रुप्स में अलग अलग एज के बच्चे होते हैं और इसीलिए एक बच्चे के कई कजन्स होते हैं जो उससे एज में बड़े होते हैं। इन यंग हाइनाज की पूरी स्किन पर अब स्पॉट्स उभर आए हैं, बस पैरों की स्किन काली है और अब ये इतने बड़े हैं कि खाना ढूंढने ग्रुप के साथ जा सकते हैं। फीमेल्स पूरी लाइफ एक ही ग्रुप में रहती हैं, लेकिन मेल्स को एक या दो साल में ब्रीडिंग करने लायक होने पर ग्रुप छोड़ना पड़ेगा और मेटिंग करने के लिए पार्टनर को ढूंढने दूसरे ग्रुप्स के पास जाना होगा। लायन की फीमेल कब्ज सारी जिंदगी इसी ग्रुप में रहेंगी, लेकिन मेल हाइनाज की तरह ही इनके भाइयों को 3 साल की उम्र में अपने लिए नया ग्रुप ढूंढना होगा। कंट्रोल करने के लिए इन्हें दूसरे मेल्स के साथ लड़